लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल बटको की। सर्वाइकल रोगियों को कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें गर्दन में गंभीर दर्द जो कंधे से लेकर के हाथों तक जाता है, साथ ही सुन्नपन की स्थिति। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को चक्कर आने, संतुलन बनाने में कठिनाई, खराब मॉइस्चर, सर दर्द, गर्दन में जकड़न जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। अगर कोई व्यक्ति कभी कभी इस तरह के लक्षण को अनुभव करता है तो यह आमतौर पर सामान्य होता है, लेकिन कोई सर्वाइकल रोगी अक्सर इस तरह की समस्याओं का सामना करता है तो आपको बता दें कि यह सर्वाइकल बटको का संकेत हो सकता है। सर्वाइकल बटको एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को गर्दन में दर्द के साथ ही चक्कर भी आते हैं। हालांकि ये कोई नई स्थिति नहीं है, बल्कि सर्वाइकल रोगियों में बहुत आम है। लोगों के मन में एक सवाल अक्सर उठता है कि सर्वाइकल बटको की स्थिति क्यों और कैसे पैदा होती है या किन कारणों से पैदा होती है। तो मैं आपको सर्वाइकल बटको के कारण आपको बता रहा हूँ। शरीर के संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में हमारी रीढ़ की बहुत अहम भूमिका होती है। जब किसी कारण हमारी रीढ़ को नुकसान पहुंचता है तो इससे शरीर का संतुलन प्रभावित होता है और लोग अक्सर चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। ऐसा कई कारण है जिनकी वजह से हमारी रीढ़ प्रभावित हो सकती है। रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन में चोट या मोच, गठिया की स्थिति, गर्दन की नसों का संकुचन या ब्लॉकेज, पोस्चर गलत होना, डिस्क का खिसकना या चोटिल होना, तनावपूर्ण मांसपेशियां। अगर सर्वाइकल रोगी उपरोक्त स्थितियों का सामना करता है तो ऐसे में उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आपको कुछ दवाएं और थेरेपी की मदद से उपचार प्रदान किया जा सकता है, जिससे कि रीढ़ की स्थिति में सुधार किया जा सके और संतुलन बेहतर हो सके। इससे चक्कर आने की समस्या से जल्द राहत पाने में भी मदद मिलेगी। कुछ सरल एक्सरसाइज का अभ्यास करने से भी लाभ मिलता है, हालांकि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर सर्जरी की सुझाव ही देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे सभी वीडियो आपके पास आएंगे तुरंत सबसे पहले। धन्यवाद।